गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिस स्पेल्ड वर्ड्स। टॉपिक का नाम क्या है अपना? मिस स्पेल्ड वर्ड्स। ओके, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड है, मतलब आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको मुझे बताना है कि कौन सी राइट स्पेल है। ओके, तो मैंने फर्स्ट, अगर स्पेल की बात करें तो मैंने फर्स्ट स्पेल ली है नेसेसरी। क्या लिखा हुआ है? नेसेसरी। नेसेसरी की स्पेल एक ऐसी स्पेल है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। ओके, तो मुझे बता देना कि आप नेसेसरी की स्पेल कौन सी राइट है। ओके, मैं वन बाय वन रीड कर रहा हूं, आप मुझे राइट करके बताएंगे। ओके, तो नेसेसरी की फर्स्ट स्पेल मैंने लिखी है एन ई डबल सी ई डबल एस ए आर वाई। क्या लिखा है मैंने? एन ई डबल सी ई डबल एस ए आर वाई, नेसेसरी। क्या ये राइट स्पेल है? तो सेकंड स्पेल हम देखते हैं एन ई सी ई। क्या लिखा मैंने? एन ई सी ई एस ए आर वाई, नेसेसरी। ओके, थर्ड हमने स्पेल लिखी है एन ई सी ई एस ए आर वाई, नेसेसरी। क्या लिखा है? एन ई सी ई एस ए आर वाई, नेसेसरी। और अगली हमने स्पेल लिखी है, लास्ट वन स्पेल जो हमने लिखी है वो क्या लिखी है? एन ई सी ई। क्या लिखा है? एन ई सी ई डबल एस ए आर वाई, नेसेसरी। तो मुझे बताओ कि इन चारों स्पेल में से कौन सी स्पेल राइट है नेसेसरी की। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि नेसेसरी में ओके सिंगल सी आता है और डबल एस आता है। ध्यान रखें इस बात का, एक ट्रिक है नेसेसरी की स्पेल राइट करने के लिए कि सिंगल तो सी आएगा और डबल एस आएगा। तो देखते हैं कौन सी में है। ठीक है, यहां देखो डबल सी है तो ये रॉन्ग हो गई आपकी स्पेल। ओके, फिर यहां देखते हैं सिंगल सी है, बिल्कुल राइट है, लेकिन डबल एस नहीं है, तो ये भी आपकी रॉन्ग स्पेल है। ओके, फिर अगली वाली स्पेल में हम देखते हैं यहाँ पे सिंगल सी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे डबल एस नहीं है। ठीक है, ये भी आपकी रॉन्ग स्पेल है। तो यहाँ देखते हैं सिंगल सी है, बिल्कुल राइट है, लेकिन डबल एस भी है ना। तो देखो एन ई सी ई डबल एस ए आर वाई, ये आपकी राइट स्पेल है। तो ध्यान रखें इस बात का, नेसेसरी की राइट स्पेल क्या होगी? एन ई सी ई डबल एस ए आर वाई, नेसेसरी। ओके, दिस स्पेल इज करेक्ट। ओके, आगे देखते हैं करप्ट। क्या लिखा मैंने? करप्ट, सॉरी करप्ट। क्या लिखा मैंने? करप्ट। ओके, करप्ट। नेसेसरी का मतलब क्या होता है? आवश्यक। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक। ओके, आवश्यक, तो यह है इसका हिंदी मीन। ओके, हम बात करते हैं आगे करप्ट की। तो करप्ट की स्पेल कौन सी राइट होती है? करप्ट की हम देखते हैं, फर्स्ट स्पेल मैंने लिखी है सी ओ आर यू पी पी टी, सी ओ आर यू डबल पी टी, करप्ट। क्या ये राइट स्पेल है? फिर देखते हैं सी ओ डबल आर यू पी टी, करप्ट। थर्ड स्पेल हमने लिखी है सी यू डबल आर यू पी टी, करप्ट। और फोर्थ हमने लिखी है सी यू डबल आर ओ पी टी, करप्ट। तो मुझे बता सकते हैं कि इसमें राइट स्पेल कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं इसमें राइट स्पेल कौन सी है। ओके, तो करप्ट की जो एक्चुअल जो स्पेल होती है वो होती है सी ओ डबल आर यू पी टी, करप्ट। तो करप्ट में डबल आर आता है और पहले सी ओ होता है। ओके, तो सी ओ डबल आर यू पी टी कहाँ लिखा हुआ है? देखो ये स्पेल देखो आप, सी ओ डबल आर यू पी टी, करप्ट। तो ये इसकी राइट स्पेल है। और करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट। ओके, और करप्ट से ही बनता है करप्शन। फिर आगे चलते हैं हम सैटेलाइट। तो सैटेलाइट की स्पेल देखते हैं कौन सी वाली राइट है। ओके, तो सैटेलाइट में देखो आप एस ए टी ई डबल एल आई टी ई, एस ए टी ई डबल एल आई टी ई, सैटेलाइट। ओके, सेकंड स्पेल में हमने दिया सैटेलाइट में कौन सी? एस ए टी ई एल आई टी ई, सैटेलाइट। ओके, एस ए टी ई एल आई टी ई, सैटेलाइट। अगली स्पेल हमने लिखी है एस ए डबल टी ई डबल एल आई टी ई, सैटेलाइट। एस ए डबल टी ई डबल एल डबल एल आई टी ई, सैटेलाइट। ओके, और लास्ट वाली जो हमने स्पेल लिखी है वो क्या लिखी है? एस ए डबल टी ई एल आई टी ई, सैटेलाइट। तो कौन सी वाली स्पेल राइट है आप मुझे बता सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इन चारों स्पेल में से राइट स्पेल कौन सी है। तो आप ध्यान रखें सैटेलाइट की स्पेल में सिंगल तो टी आएगा, डबल एल आएगा। ओके, ध्यान रखें इस बात का। तो सिंगल टी डबल एल कहाँ है देखते हैं हम। ओके, तो देखो सिंगल टी और डबल एल है ना, सैटेलाइट। ओके, औरों में देखते हैं हम, सिंगल टी है लेकिन सिंगल एल है ना, डबल टी है लेकिन डबल एल है, डबल टी है लेकिन सिंगल एल है। लेकिन हमें क्या चाहिए? सिंगल टी डबल एल हमें चाहिए है ना सैटेलाइट में। तो ये ट्रिक के जरिए आप याद रख सकते हैं। तो ये वाली स्पेल आपकी राइट है, एस ए टी ई डबल एल आई टी ई, सैटेलाइट। ओके, आगे चले, आगे है आपके मिलेनियर। क्या लिखा हुआ है? मिलेनियर। ठीक है, तो मिलेनियर की स्पेल हम देखते हैं कौन सी वाली राइट है, एम आई डबल एल ओ एन ए आई आर ई, मिलेनियर। ठीक है, अगली वाली है एम आई डबल एल आई ओ एन ए आर ई, मिलेनियर। फिर अगली वाली स्पेल हमारी एम आई डबल एल ओ एन ए आर ई, मिलेनियर। और अगली वाली लास्ट वाली जो स्पेल हमारी है एम आई डबल एल आई ओ एन ए आई आर ई, मिलेनियर। तो मिलेनियर की स्पेल कौन सी राइट है इन चारों में से हम देखते हैं। तो सबसे पहले मिलेनियर बना किससे? मिलियन से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मिलियन, एम आई डबल एल आई ओ एन, मिलियन। पहले तो मिलियन वाली चेक करो आप कौन सी वाली है, मिलियन।
है ना। देखो ये वाली स्पेल तो बिल्कुल ही गलत हो गई, क्यों? क्योंकि मिलियन तक भी यहाँ राइट नहीं है ना, तो ये तो करेक्ट, ये तो इनकरेक्ट हो गया ऑलरेडी। मिलियन और देखते हैं, मिलियन है ना यहाँ तक राइट है, यहाँ तक चलते हैं एक बार, है ना। फिर मिलियन ये भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि मिलियन वाली ये पहले स्पेल राइट करनी होगी हमें, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, है ना। हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक तो ये मिलियन वाला ये वाला, है ना, एक तो मिलियन वाला ये वाला बचा है अपने पास, और एक ये वाला बचा है ना। दो ऑप्शन हमारे पास है मिलियन। तो ध्यान रखिए इस बात का, मिलियन की स्पेल के आगे आपको ए आई आर ई लगाना है। क्या लगाना है? ए आई आर ई, मिलियनियर। ओके, तो कौन सी वाली में लिखा हुआ है मिलियन के? देखो ए आई आर ई, ये वाली स्पेल आपकी बिल्कुल राइट है ना, ए आई आर ई। ओके, मिलेनियर, एम आई डबल एल, एम आई डबल एल इसमें है ना, एम आई डबल एल आई ओ एन, लेकिन ए आर ई दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या चाहिए? ए आई आर ई, है ना, क्या चाहिए हमें? ए आई आर ई। तो ये वाली स्पेल आपकी बिल्कुल राइट स्पेल है। ओके, तो मिलेनियर, तो फर्स्ट हमारा था नेसेसरी, सेकंड था करप्ट, थर्ड था स्टेट सैटेलाइट, और अगला था हमारा अपना मिलेनियर। ठीक है, ये कुछ चार वर्ड्स आपके सामने मैं लेके आया हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट स्पेल्स हैं, और आप इनको देखें, और ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको हेल्पफुल होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट मी डियर।